हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल न्यू किटी गेम्स इतना एक में दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही प्यारी सी हाउजी गेम लेकर वैसा कि स्पेशल हाउजी गेम है तो चलिए गेम शुरू करते हैं लेकिन प्लीज़ प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बैल भी ज़रूर दबाना तो चलिए करना क्या है किटि जो होस्ट है उसको क्या करना है ये जो नाम है ये वाले नाम लिख उसके बाद फोटोकॉपी करवा दे तो फोटोकॉपी करवा दें उसके बाद आपको चिट लगा देनी है अदरवाइज़ आप सबकी चिट्स जैसे घर पे ही बना सकते हैं और उसके सामने से लिख सकते हैं अगर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो केवल एक बार ये लिख दें और उसके बाद फोटोकॉपी करा दें उसके बाद चिट्स जो हैं वो आप घर पे वापस आकर चिपका सकते हैं अब चिट्स कैसे लेनी है जैसे ये चिट्स होती हैं तो ये दो वाली चिट मैंने ली हैं ठीक है थीके? ये दो चिट्स ली हैं तो दो चिट्स में जो ये तीन तीन होते हैं हिस्से टोटल लाइंस थ्री नाइन होती है ना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इस तरीके से तीन तीन चिट बनाई है और मैंने लाइंस यहाँ पर चिपकाई हैं ठीक है थीके? तो वन के नीचे ये दूसरी वाली दूसरे का जो ये तीन नंबर है वो इधर चुपकाएँ हैं पहले के तीन नंबर इधर फिर दूसरे के तीन नंबर इधर और सेकेंड वाली चिट के तीन नंबर इधर उसके बाद फिर थर्ड वाली थर्ड के तीन नंबर इधर और फिर सेकेंड चिट के थर्ड तीन नंबर काट के मैंने इधर चुपकाए हैं ये लाइन वाइज ही चुपकाना क्योंकि क्या होता है जब नंबर कॉल किए जाते हैं तो कौन सा नंबर किधर है अगर उल्टा सीधा लगा हुआ होता है तो ढूंढने में बहुत तकलीफ़ होती है स्टार्टिंग वाले नंबर स्टार्टिंग में ही लगने हैं और बीच वाले नंबर बीच में और लास्ट वाले लास्ट में ठीक है तो ये प्राइजेस तो इधर लिखे हैं बाकी इसमें एक अलग से बहुत बढ़िया सा प्राइज है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि वो प्राइज़ क्या है अभी सबसे पहले आपको ये अनाज और ये यहाँ पर किसान लिखना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर है भांगड़ा लिखा है यहाँ पे मैंने गिद्धा लिखा है यहाँ पे बाजरे दी रोटी और सरसों दा साग तो जब ये एक प्राइस हो जाएगा तो अनाज बोलना है भांगड़ा बोलना है बाजरे दी रोटी बोलनी है मतलब ये पूरी चिट हो जाए तो बाजरे दी रोटी ये पूरी चिट हो जाए तो भांगड़ा ये चिट हो जाए तो अनाज ये चिट हो जाए तो किसान ये गिद्धा ये सरसों का साग ठीक है ये कितने प्राइजेस हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स प्राइजेज़ ये हो गए उसके बाद सेवन्थ है जब अनाज और किसान साथ में हो जाएगा ठीक है किसान बेचारे बहुत मेहनत से अनाज उगाते हैं और उसके बाद जब ऐसा कि आती है तब फसल कटती है तो इस तरीके से इसीलिए ये पहला प्राइस ये दोनों जब हो जाएंगे तब ये एक और प्राइस हो जाएगा और इनके ज़्यादा प्राइजेज़ रखना आप पहले एक एक जो चिट हो जाएगी उसके थोड़े कम इसके थोड़े ज़्यादा रखना उसके बाद जब भांगड़ा और गिद्दा हो जाएगा दोनों चिट्स तब एक प्राइस और उसके बाद बाजरे दी रोटी तो सरसों द साग ठीक है बोलना भी उनको ऐसे ही है भांगड़ा गिद्दा हो गया मेरा अनाज किसान हो गया और बाजरे दी रोटी सरसों दा साग हो गया तो ठीक है तो ये अलग अलग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सेवन्थ प्राइस ये एट्थ प्राइस और ये नाइन्थ प्राइस ये नाइन्थ प्राइस हो गए उसके बाद जब होल टिकट हो जाएगी वो टेंथ प्राइज़ होगा पूरी टिकट हो जाएगी तब उनको क्या बोलना है मेरी वैसाखी हो गई ठीक है इस तरीके से उसको ये लास्ट प्राइज़ होगा लेकिन उसके बाद जो वो ट्विस्ट वाला प्राइज़ है वो मैं आपको बताती हूँ करना क्या है आपको ये सारी चिट्स बनाकर अच्छे से पॉलिथिन में लेके जानी है उसके बाद सब किटी मेंबर्स को एक एक उसमें से उठाना है यानी उनको देखना बिल्कुल भी नहीं है कि वो कौन सी वाली ये हाउज़ी की टिकट उठा रहे हैं ठीक है ठीके? एक एक पॉलिथिन में हाथ डालेगा और एक एक हाउजी की ये टिकट निकालेगा किस्मत है जिसके पास जो भी आई अब हाँ उसके बाद जो वैसाखी होती है वो यहाँ तो तेरह को आती है और चौदह को आती है कभी तेरह को कभी चौदह को तो आप इन दोनों का भी जिसकी भी टिकट में तेरह हुआ नंबर और या फिर चौदह नंबर हुआ उनके दो प्राइजेज आप रखोगे ठीक है ये आप उनको बाद में ही बताओगे ये चिट उठा लेने के बाद ठीक है तो जिसका भी तेरह नंबर हो जाएगा चिट में कौन कहीं एक ही नंबर होगा यहाँ पर ही या यहां पर होगा तेरह नंबर या चौदह नंबर ये भी दो प्राइजेज आप ज़रूर रखना जैसे अर्ली फाइव रखते हैं या कुछ ऐसा रखते हैं तो ये जिसका भी थर्टीन या फोटीन नंबर हो जाएगा उसको वो प्राइज़ मिलेगा तो वो भी प्राइज़ आपको रखना है तो इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये पूरा दस और ऊपर से फिर ग्यारह और बारह वो प्राइजेज हो जाएंगे और उसके बाद अगर आप इस पूरे के तीन भी प्राउ प्राइजेज रखोगे तो भी चलेगा जैसे हाउजी हो जाती है ना तीन हाउसेज रखते हैं इस तरीके से अगर फुल ये हो जाती है तो भी आप उसके भी तीन रख सकते हो थोड़े डिविडेंड और ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा लोगों के जीतने के चांसेस हो जाएंगे तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सी गेम है वैसा की पर तो चलिए खेलिए आप भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस तरीके से जब हम चिट बना के जाते हैं तो किसी को भी बोलने में करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है उसको ये बोलना आसान रहता है कि मेरा अनाज हो गया भांगड़ा हो गया मक्के दी बाजरे दी रोटी हो गई तो ये लिखा हुआ होता है तो बहुत आसान हो जाता है और चिट्स का चुपकाना सही ढंग से बहुत इम्पॉर्टेंट है नहीं तो अगर आप ये वाले नंबर इधर चुपकाओगे ये वाले इधर चुपकाओगे तो ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है इसलिए लाइन वाइज ही चुपकाने हैं तो चलिए खे खेलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय